कई सारे लोग अक्सर ये सोचते हैं कि यार बॉडी बनाते हैं, थोड़ा सा फिटनेस मेंटेन करते हैं, एंड इसके चक्कर में वो सोचते हैं कि जिम जाना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए वो नए जूते ले लेते हैं, नए टी शर्ट ले लेते हैं, नए ट्रैक पैंट ले लेते हैं, यहाँ तक कि जिम में जाके 1 साल की मेम्बरशिप की फ़ीस भी पे कर देते हैं। आगे क्या होता है? आई होप आपको आगे की कहानी पता ही है। ऐसा ही कुछ हाल जो है स्टॉक मार्केट में भी होता है। कई सारे नए इन्वेस्टर जो है स्टॉक मार्केट में आते हैं ये सोच के कि हम लोग अभी रेगुलर इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। वो अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं, लेकिन कुछ रीजंस के वजह से वो इररेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट ना के बराबर करते हैं, लेकिन दे एंड अप पेइंग एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट या फिर अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस जो होते हैं, जो कि हर साल या फिर हर महीने आपको डीमैट अकाउंट के लिए पे करने पड़ते हैं। हाउएवर, थैंक्स टू सेबी जिन्होंने ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए BSDA फैसिलिटी निकाली हुई। व्हाट एग्जैक्टली इज BSDA? इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर सुमंत, आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट एसेंशियल्स के इस वीडियो में। सो दोस्तों, आइए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज BSDA। BSDA का फुल फॉर्म होता है बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट। नाउ दिस टाइप ऑफ डीमैट अकाउंट्स आर इंटेंडेड फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स हु डोंट और रादर आई विल से हु कैनॉट इन्वेस्ट ऑन रेगुलर बेसिस इन स्टॉक मार्केट। नाउ BSDA जो अकाउंट होता है, इट इज एग्जैक्टली एज अ रेगुलर डीमैट अकाउंट जैसे ही होता है, यूजिंग विच आप स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड्स में, ETF में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि BSDA जो है कैन बी ओपन इन अ रेगुलर मैनर इटसेल्फ, बट कैन बी मेंटेन्ड एट अ लोअर कॉस्ट और एट नो कॉस्ट, यानी कि इसमें आपको नो AMC से लेके लो AMC तक चार्जेस पे करने होते हैं। बट देन व्हाई BSDA? अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं कि डीमैट अकाउंट जो है आप यूज़ करो ना करो, आपको एक AMC यानी कि अकाउंट मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो पे करना पड़ता है, विच इज़ एनुअली यूजुअली, एंड जो 300 रुपये से 400 रुपये के बीच में होता है। नाउ इमेजिन देर आर टू इन्वेस्टर्स, वन इन्वेस्टर हु हैज़ इन्वेस्टेड ओनली 1000 रुपीज़ इन हिज डीमैट अकाउंट, बट फॉर दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ही हैज़ टू पे 300 रुपीज़ एनुअली, विच इज़ 30% हो गया वो चार्ज। नो, यही बात करते हैं अगर कि कोई एक बंदा है जिसने 1 लाख रुपए के स्टॉक्स आपके अकाउंट में रखे हुए एंड फॉर विच ही हैज़ टू पे 300 रुपीज़ एनुअली, तो उसके लिए वो चार्ज जो है बहुत मामूली हो जाता है, लगभग 0.3% का वो चार्ज हो जाता है। नाउ ये जो डिफरेंशिएशन है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो टू फेवर द स्मॉल इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जिनकी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी नहीं है, ऐसे इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने के लिए, IPO में पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने के लिए, फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है बढ़ाने के लिए, सेबी ने 2012 में ये BSDA जो है इंट्रोड्यूस किया हुआ था, एंड इससे जो स्मॉल इन्वेस्टर्स को कई ज़्यादा हेल्प जो है हो जाती है। अब व्हाट एग्जैक्टली इज क्राइटेरिया फॉर BSDA? BSDA का एक सिंपल क्राइटेरिया है कि यहाँ पे यू मस्ट हैव अ सिंगल डीमैट अकाउंट अक्रॉस ऑल द डिपॉजिटरीज। इसका मतलब ये है कि आपके मल्टीपल डीमैट अकाउंट नहीं होने चाहिए, कोई भी स्टॉक ब्रोकर के पास आपका एक ही डीमैट अकाउंट होना चाहिए, एंड जिसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख से कम होनी चाहिए अक्रॉस ऑल द डिपॉजिटरीज। दैट इन्वेस्टमेंट मे इंक्लूड स्टॉक्स, ETF, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स एटसेट्रा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चार्जेस फॉर BSDA। चार्जेस को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज अकाउंट ओपनिंग, सेकेंड इज ब्रोकरेज एंड टैक्सेस, एंड थर्ड इज AMC यानी कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। नाउ अकाउंट ओपनिंग चार्जेस जो होते हैं वो BSDA के लिए रेगुलर चार्जेस की तरह ही होते हैं। जो भी ब्रोकर के पास आप अकाउंट ओपन करना चाहोगे वहाँ पे जो भी अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस होंगे वो आपको BSDA के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। नाउ बात करते हैं ब्रोकरेज एंड टैक्सेस की, इसमें कोई भी फर्क नहीं होता है, BSDA इज एज गुड एज अ रेगुलर डीमैट अकाउंट इटसेल्फ। तो इसीलिए जो ब्रोकरेज एंड टैक्सेस जो है वो रेगुलर यूजर को जैसे एप्लीकेबल होते हैं, उसी तरीके से BSDA में भी एप्लीकेबल होंगे। नाउ बात करते हैं AMC यानी कि अकाउंट मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में। तो यहाँ पे जो है मेजर डिफरेंस आ जाता है BSDA एंड रेगुलर अकाउंट के बारे में। नाउ इफ यू रेफर द टेबल विच इज शोन ऑन द स्क्रीन, अगर आप देखोगे तो आपकी होल्डिंग की जो वैल्यू है वो 50,000 से नीचे है, ओके, तो इन दैट केस देर विल नॉट बी एनी AMC चार्ज टू यू। तो अगर बात करेंगे 50,000 से लेके 2 लाख रुपए के बीच में अगर आपके अकाउंट का होल्डिंग है, तो इन दैट केस यू विल बी चार्ज 100 रुपीज प्लस GST एज अ AMC। एंड यही अगर जो आपका होल्डिंग है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टॉक होल्डिंग हो सकता है या फिर म्यूचुअल फंड्स का होल्डिंग हो सकता है, बॉन्ड्स का होल्डिंग हो सकता है, इसकी वैल्यू जो है आपको पता ही है कि रोज़ ऊपर नीचे होती रहती है स्टॉक्स की वैल्यू, ये जिस दिन आपके अकाउंट होल्डिंग की वैल्यू 2 लाख रुपए को क्रॉस कर देती है, तो इन दैट केस वो BSDA से रेगुलर अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड इन दैट सिनेरियो आपको 300 रुपीज़ प्लस GST या फिर वो ब्रोकर का जो भी रेगुलर AMC के चार्जेस है वो आपको लगना शुरू हो जाता है। नाउ लेट मी
टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, एक बार आपका अकाउंट का जो होल्डिंग है वो 2 लाख रुपए के ऊपर आ जाता है तो दैट मीन्स आपका जो बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट जो है उसके प्रिविलेजेस निकल जाते हैं ना। उसके बाद फिर से अगर मार्केट ऊपर नीचे होने के कारण आपका होल्डिंग 2 लाख से नीचे आ जाता है तो वो फिर से BSDA में कन्वर्ट नहीं होता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही अहम सवाल की, जो कि आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को होगा कि कैन आई कन्वर्ट माई अकाउंट इनटू BSDA, या फिर मेरा अकाउंट BSDA के लिए एलिजिबल है क्या। एज आई सेड, फर्स्ट ऑफ ऑल योर अकाउंट नीड्स टू बी द सिंगल वन। अगर आपका अकाउंट जो है मल्टीपल ब्रोकर के पास है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर BSDA। सेकेंड चीज जो है आपका ओवरऑल होल्डिंग जो है, पोर्टफोलियो होल्डिंग जो है, अगर वो 2 लाख के ऊपर है तो एज इट इज यू विल नॉट बी एबल टू कन्वर्ट योर अकाउंट इनटू BSDA, सो डोंट इवन थिंक अबाउट इट। यस, लेकिन अगर आपका सिंगल डीमैट अकाउंट है एंड आपका पोर्टफोलियो होल्डिंग जो है 2 लाख से नीचे है, देन यू कैन डेफिनेटली कन्वर्ट योर डीमैट अकाउंट इनटू अ BSDA वन। कैसे? कॉन्टैक्ट योर स्टॉक ब्रोकर फॉर द सेम। नाउ कई सारे लोग जो है ये भी सवाल पूछेंगे कि क्या BSDA सही में यूजफुल है, BSDA अकाउंट निकालने का कोई मतलब है। तो आई विल से इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द पीपल हु डू नॉट इन्वेस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस, या फिर जिनको IPO में एप्लीकेशन करने के लिए ही सिर्फ डीमैट अकाउंट निकालना है अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम पे। तो ऐसे लोगों के लिए ये जो अकाउंट है बहुत यूजफुल है, बिकॉज यू डोंट हैव टू पे AMC। IPOs जो है महीने में एक दूसरी बार आते हैं एंड दैट इज़ ओनली वेन वी यूज द डीमैट अकाउंट, और वो भी रेगुलरली, मतलब अलॉटमेंट होती है, ऐसी ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे सिनेरियो में व्हाट यू कैन डू इज़ आपके फैमिली मेम्बर्स के जो भी डीमैट अकाउंट है, जो कि आप यूजुअली उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले, ऐसे अकाउंट जो है वो आप BSDA अकाउंट्स जो है ले सकते हो, फॉर विच यू नो अवॉइड पेइंग द AMC। आपको AMC पे नहीं करनी पड़ती, यू डू सेव मनी देयर। Now the next question is how to get a new BSDA account. As of now, not all brokers provide this particular facility. So, जो brokers provide करते हैं BSDA account, which is Zerodha as well as Upstox. For Zerodha, all you need to do is use the link which is given in the description below. Follow the on-screen instructions, complete the account opening process. If you are eligible for BSDA account, your account will be automatically converted into BSDA after a certain time. या फिर आपके registered mail ID से आप customer care support पे mail कर सकते हो to convert your account into BSDA one. If you wish to create a BSDA account in Upstox, use the link which is given in the description below. Sign up using your mobile number and email ID. Complete the account opening process. Once your user ID and password comes, simply sign up into Upstox account. And once you do that, using the Upstox app, raise a ticket to customer care for converting your account into BSDA one. अगर आपका अकाउंट जो है क्राइटेरिया मीट करता है सारे BSDA के, your account will be converted into BSDA. That's about it. It is very simple. So that's about it for this particular video, guys. आशा करता हूँ आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको कुछ इसमें वैल्यू ऐड लगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट रेड सब्सक्राइब बटन, सो दैट आने वाले हर एक वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड।